हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिट है लाइफ विद नीरू। एक बार फिर मैं नीरू आप सबके लिए लेके आ गई हूँ एक नई रेसिपी। हम बात करें हमारी इंडिया की, तो इंडिया में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं होगा जहाँ पे काजू कतली को पसंद नहीं किया जाता। काजू कतली हमारे यहाँ की एक फेमस मिठाई है जो सिर्फ काजू से बनती है। जब काजू कतली बर्फी को बनाया जाता है तो बनाते टाइम इसमें और स्वीटनेस ऐड करने के लिए हम इसमें बहुत अच्छी मात्रा में शुगर को यूज़ करते हैं। उस पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखें तो ये एक अनहेल्दी ऑप्शन हो जाता है उन लोगों के लिए जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, या फिर जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं, या फिर जिनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है लाइक डायबिटीज़, शुगर का इशू, एंड जिनको डॉक्टर ने मना कर रखा है कि आप एक्सेस में शुगर नहीं खा सकते, बट दे आर काजू कतली लवर्स। तो इसकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इसका सोल्यूशन लेके मैं आई हूँ आप सबके सामने लेके काजू कतली का एक हेल्दी वर्जन। एंड बिलीव मी गाइस, ये रेसिपी बहुत आसान है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के यूज से मैंने इसको बनाया है, तो है ना कमाल की बात। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से आप काजू कतली को घर में बना सकते हैं। को बनाने के लिए हमने लिए हैं 250 ग्राम साबुत काजू, 10 खजूर बीज निकले हुए और उनको हमने पानी में भिगो के रख दिया है, और 4 चम्मच जागरी पाउडर। प्रिपरेशन के फर्स्ट स्टेप में जो खजूर मैंने पानी में भिगो के रखे थे उनका मैं थिक पेस्ट बना लूँगी कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में मैं गैस पे कढ़ाई रखूँगी। कढ़ाई जैसे ही गर्म होगी मैं उसमें डालूँगी काजू और उनको हल्का ब्राउन होने तक अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट होने के बाद काजू थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो उनको ग्राइंडर में डाल के उनको तब तक पीसूंगी जब तक उनका एक महीन पाउडर ना बन जाए। ब्लेंड करते टाइम हमें ये याद रखना है कि हमें इसे इतना नहीं पीसना है कि इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाए। इसके बाद गैस पर कढ़ाई रख कर मैं चाशनी बनाने की प्रिपरेशन करूँगी। तो कढ़ाई जब गर्म हो जाएगी तो मैं इसमें जागरी पाउडर डाल दूँगी और 4 स्पून पानी का डालूँगी। जागरी और पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको तब तक चलाती रहूँगी जब तक ये थोड़ी सी थिक ना हो जाए। अब ये थोड़ी थिक होने लगी है तो इसमें मैं डालूंगी खजूर का बनाया हुआ पेस्ट। अब इसको तब तक चलाऊंगी जब तक इसका थिक पेस्ट बनकर ना तैयार हो जाए कुछ इस तरीके से। प्रिपरेशन के लास्ट स्टेप में अब इसमें जाएगा काजू का पाउडर। अब काजू पाउडर को जागरी और खजूर की चाशनी में इस तरीके से मिक्स करूंगी कि उसमें कोई भी लम्ब्स बाकी ना रहे, और जब ये एक साथ मिक्स हो जाएगा पूरी तरीके से आटा बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं गैस बंद करके इसको साइड पर रख दूंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं एक प्लेट लूंगी, उसको अच्छे से घी से ग्रीस कर लूंगी। फिर मिक्सचर के गर्म होते ही उसको मैं प्लेट में ट्रांसफर करूंगी और उसको अच्छे से पूरी प्लेट पे स्प्रेड कर दूंगी। अब इसको 20 से 25 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद मैं इसको पीसेस में कट कर लूंगी एंड 3 इंग्रेडिएंट से बनी हमारी गुड़ खजूर वाली काजू कतली बनकर तैयार है। आपने काजू कतली को बनाना कितना आसान है, और अब इसका जरा टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये खाने में कैसी है। वेरी यम्मी, बहुत ही कम कैलोरीज हैं और उतना ही टेस्ट है जितना आप शुगर वाली काजू कतली खाते हैं। सच बताऊं दोस्तों, जब मैंने इस रेसिपी को पहली बार अपने घर में ट्राई किया तो मुझे तो इसका एडिक्शन ही हो गया, और अब मुझे काजू कतली बाहर से खरीदने से ज़्यादा अपने घर पे बनाकर खाने में अच्छा लगता है। मेरे लिए ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है मेरे मीठे की क्रेविंग्स के लिए, और जहाँ पे मैं टेस्ट के साथ भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ इसको घर में जाकर ट्राई करो। ट्राई करने के बाद मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एंड उसके बाद इसको एक थम्स अप दीजिए और अपने जितने भी आसपास के रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, सबको शेयर कीजिए सो दैट और लोगों को भी तो पता लगे काजू कतली बिना चीनी के कैसे बनती है। मैं जाने से पहले एक बार फिर आप सब लोगों को कहना चाहूँगी, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।